हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। हरियाणा ने दिल्ली से सटी अपनी कई सीमाएं सील कर दी हैं और आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना का आंकड़ा पल पल बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों के बीच खींचतान भी जारी है। कोरोना पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जुबानी जंग हो रही है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर पहरे बढ़ा दिए। हरियाणा ने राजधानी से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली से जा रही सभी गाड़ियों को बदरपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया और अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिली। हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। दूसरा दिन है सीलिंग का और इस वक्त हम बदरपुर हाईवे पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी ही दूरी पर ये दिल्ली यहाँ से लगता है, पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सख्ती की गई है। तमाम डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि यदि आप दिल्ली में अब एंट्री करते हैं तो उसके बाद फरीदाबाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सख्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि यदि आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उसके बाद आपकी फरीदाबाद में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जो जरूरी काम के लिए जो गाड़ियां हैं, जो जरूरी खाद्य सामग्री लेके जा रही है, उन गाड़ियों की एंट्री है। पर लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं लगातार पुलिस की तरफ से यही समझाया जा रहा है कि आप यदि दिल्ली जाते हैं तो आपकी फरीदाबाद में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लोगों को समझाकर ही दिल्ली में एंट्री करने दिया जा रहा है। डाटा बेस एक डाटा तैयार किया जा रहा है फरीदाबाद पुलिस की। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा न्यूज पर बड़ी जानकारी यह है कि एक डाटा तैयार कर रही है फरीदाबाद पुलिस। उस डाटा के आधार पर जो भी इवनिंग में गाड़ी आएंगी उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं ना कहीं जो डाटा तैयार कर रहे हैं साफ तौर पर उनके नंबर यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। आपको ये देखिए पुलिस के जवान यहाँ पर समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उसके बाद फरीदाबाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। साफ तौर पर सख्ती यहाँ पर प्रशासन की नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना की चेन टूटती हुई नजर आ रही है, 7 कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। तो अब सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती और साफ तौर पर आप देख सकते हैं उसका नतीजा कि कितनी ज्यादा सख्ती बदरपुर बॉर्डर पर देखी जा रही है। तो वहीं बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। यहां तक कि पास धारकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल झज्जर में कोरोना के 5 केस सामने आए हैं जिनका दिल्ली से कनेक्शन है। इसके साथ बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना के झज्जर में 5 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली से सटे नाकों पर सख्ती तेज कर दी है। जिले भर में दिल्ली से आने वाले 10 रास्तों को पूरी तरीके से सील कर दिया है। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त सख्तियों के तहत ये आदेश कल जारी कर दिए। आदेश 3 मई तक लागू रहेंगे। इस वक्त मैं आपको बहादुरगढ़ दिल्ली टिकरी बॉर्डर का जो नाका है वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने जाने वाले किसी भी वाहन को बहादुरगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। लाइनें इसलिए लगी हैं क्योंकि किसी भी वाहन को, चाहे वो वाहन किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़ने की बात कहकर आई कार्ड दिखाकर पास दिखाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन SDM ने यहाँ पर खुद मौके पर आकर पुलिस अधिकारियों को ये साफ साफ हिदायत दे दी है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई पास धारक हो या कोई आई कार्ड लेकर आए, किसी की भी बहादुरगढ़ में एंट्री नहीं होगी। बहादुरगढ़ में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बहादुरगढ़ के खुद के संसाधनों और आसपास के गाँवों से जो संसाधन जुटेंगे पुलिस उनके मार्फत ही करवाएगी। सख्त आदेश है कि दिल्ली सीमा से हरियाणा की सीमा में, यानी कि दिल्ली के टीकरी से बहादुरगढ़ के अंदर प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। इसलिए निषेध है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो दिल्ली से आने जाने वाले, दिल्ली से लगातार आवागमन करने वाले लोगों के कारण ही बढ़ा है। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पूरी तरीके से सील है और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर CCTV लगाने की भी प्लानिंग कर ली है। सोनीपत से भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सोनीपत की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। हालांकि यहां पर पास वालों को छूट दी गई है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आवागमन में छूट मिली है।
जैसे कि सोनीपत में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज करीब आंकड़ा जो 24 का है और उसको लेकर पूरी सख्ताई दिल्ली बॉर्डर पर कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर पर हैं, जो कि यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह के व्हीकल को जाने की परमिशन है या क्या कुछ इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी आपका परिचय। मैं सर यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। तो यहाँ पर किस तरह के व्हीकल को परमिशन है जो जाने की? सर जिसके पास मूवमेंट पास है वो जाए। तो जैसे यहाँ से काफी बड़ा रोड है, ये इसको रोक दिया गया पूरा, कई आदमियों ने सहरगा बना रखी है इसको, ठीक है, जो अपने इलाज कराने जा रहे हैं, कोई सीरियस इलाज है उसको हम रोक नहीं रहे, उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर हम उसको जाने दे रहे हैं। बिजनेस की इमरजेंसी है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई इसका किसका ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का है, किसी का किडनी का है, किसी का डायलिसिस है, सर उसको तो हम अलाउ कर रहे हैं। अब एक सीधा सवाल है कि यहाँ पर कोरोना का पेशेंट भी आ सकता है, तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए क्या? सर हम अपनी पूरी सेफ्टी कर रहे हैं, हम टच नहीं कर रहे किसी को, मोबाइल भी टच नहीं कर रहे हैं, हम उसको दूरी बनाए रखते हैं कम से कम 1-2 मीटर की, तो हमारे नजदीक ना आए। जो भी है तो वो स्वस्थ है या चाहे जो भी है, हमें क्या बताओ कोरोना पेशेंट है, उसका आजकल तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। तो ये थे कोरोना योद्धा, इनको कहा जाएगा क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर पूरी ड्यूटी तैनात है, यहाँ पर कोरोना योद्धा लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुग्राम में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने गुरुग्राम की सीमाओं को सील कर दिया है। हालांकि यहाँ भी ऐसे वाहनों को छूट दी गई है जो जरूरी सामानों के सप्लाई में लगे हुए हैं। दरअसल हरियाणा में कोरोना के ज्यादातर मरीजों का दिल्ली या अन्य राज्यों से कनेक्शन है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।